हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते अच्छा ही होगा। मैं भी अच्छा। चलिए आज हम सब्जी बना रहे हैं। क्या क्या सब्जी बना रहे हैं? आज को 3 गो सब्जी मिला के बना रहे हैं। तो चलिए हम कैसे बनाते हैं दिखाते हैं। पहले देखिए, ये बैंगन काट दिया है, इतना आलू भी ऐसे काट दिया है और ये भी काट दिया है। और अभी हम फ्राई करेंगे आलू। तो आलू को फ्राई करने के लिए हम तेल गरम किया है। इधर देखिए एक कढ़ाई है। तो आलू और बैंगन को थोड़ा थोड़ा फ्राई करेंगे और फ्राई करके के बाद मसाला बना के इसको बनाएंगे। तो पहले आलू और बैंगन को थोड़ा थोड़ा फ्राई करेंगे तो अच्छा लगेगा खाने में। ना तो ऐसे भी बना सकते हैं बिना फ्राई कर भी, लेकिन फ्राई करने से सबसे अच्छा लगता है, तो इसलिए हम ऐसे बनाते हैं। करी थोड़ा मतलब ज़्यादा करी भी नहीं, थोड़ा थोड़ा। तो चलिए देखाएंगे कैसे बनाते हैं। हेलो दोस्तों, देखो मैं आलू, ये आलू को हम फ्राई कर लिए नमक हल्दी डाल करके, और ये बैंगन को भी नमक डाल के ही फ्राई किए हैं, क्योंकि हम पानी नहीं डालेंगे सब्जी में, इसीलिए हम ऐसे फ्राई करके रख दिए। अभी मेरा तेल गर्म हो गया, मैं इसमें ये लहसुन है इसको डाल देंगे, क्योंकि हम साग बना रहे हैं ना, इसलिए लहसुन का फुड़न दे दिए हैं। अब लोग नहीं डाल सकते, लेकिन मैं डाल दिया हूँ। मैं अच्छे थोड़ा भून दूँगी। प्याज और टमाटर को भूंज लेंगे लाल लाल करके, उसके बाद मसाला डालेंगे। प्याज और टमाटर को हम भूंज लिए हैं। अच्छे में हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये अदरक लहसुन है, इसको पेस्ट डाल देंगे। तो थोड़ा भूंज लेंगे इसको। हम इसी में लिए हैं धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, नमक और चिल्ली पाउडर, मिर्चा, लाल मिर्चा, तो हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा पानी डाल देंगे। इसमें हम आलू डाल देंगे और बैंगन भी। हम पहले से आलू सब बैंगन सब फ्राई किए हैं ना, तो इसीलिए ज़्यादा भूनने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम फ्राई करके रख दिए हैं। नमक सब तो पहले से भिज गया है इसमें। इसमें हम इधर प्याज है ये वाला, वो प्याज का क्या बोलते हैं, गाँच निकलता है ना उसको, और पालक साग इसको डाल देंगे। इसको हम ऐसे मिला के ढक देंगे और धीरे धीरे इसको पकाएंगे बिना पानी डाल करके। पानी निकल जाता है ना पालक साग का। अभी हम ढक देंगे। हेलो दोस्तों, मैं घर किचन में हम आ गई है। किचन में हम बना रहे सूप बना रहे हैं। देखिए ये सूप है, और इधर हम पापड़ फ्राई किया है। आज ये सब्जी का दिन है ना, तो हम लोग पापड़ खाते हैं। तो देखिए पापड़ हम फ्राई किए हैं, और इधर सीम का भाजी बना दिए हैं, और इधर हम दाल बना दिए हैं। तो आज हम
सब्जी का दिन तो हम लोग दूटा दूटा सब्जी तो दाल रहता है और पापड़ रहता है, तो हम ऐसे बनाए हैं। तो आज का अंदर में ऐसे ही बनाते हैं और बाहर में लकड़ी से बनाते हैं। तो ठीक है, तो हम बाहर किचन जाते हैं, बाहर किचन में सब्जी है वो पक रहा है, उसको दिखाएंगे। चलो, मेरा बैंगन का सब्जी देखिए, बैंगन का सब्जी हो गया है, क्योंकि हम पानी नहीं डाले हैं इसी में ना, थोड़ा थोड़ा मैंने अपने आप ही पानी निकल जाता है धीरे धीरे सब मैंने जलाने से, इसका पानी अपने आप। पालक साग में तो जानते हैं आप लोग जो पानी निकलता है, बैंगन का भी थोड़ा में गीला हो जाता है, और नया आलू, अभी तो नया आलू का सब्जी तो अच्छा लगता है सबसे ना, तो इसीलिए हम ऐसे बनाए हैं आज। इसी में अगर मछली डालने से और भी अच्छा लगता, तो सूखा वाला मछली को फ्राई करके थोड़ा इसी में मिलाने से ना अच्छा लगता है, हमको ऐसे अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग का यहाँ पर इतना पसंद नहीं करते हैं सब्जी में मछली, तो हम नहीं डालते हैं ऐसे, बिना मछली के साथ ही सब्जी बनाते हैं। तो ठीक है, आप लोगों को कैसे लगा मेरा पालक और बैंगन और आलू का सब्जी? अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो के साथ। बाय बाय।